आप बी टीम तो उसका ना बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा? बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले, इस बात को आप समझिए। पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती, बाकी 15 वर्ष वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 वर्ष मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया इस लालच में कि 10-20-15-20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा, जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया, वो नीतीश कुमार को बना दिया। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता जब गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा हैं, जो दिल्ली में सांसदों के लालच में दिल्ली में अपनी सरकार चलाने के लिए बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का इन लोगों ने सौदा किया। तो हमको किसी का बी टीम बनने का जरूरत नहीं। बी टीम कौन कह रहा? लालू भाजपा वाले कह रहे हैं, इधर से भाजपा वाला कह रहा। हम मुसलमानों से मिले तो भाजपा वाला कह रहा है देखिए ये बी टीम है इंडिया के, और लालू जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का। क्यों कह रहा? क्योंकि बिहार में ये दोनों को मुफ्त में वोट लेने का आदेश। लोग हमको कहता है कि भैया नौवां फेल काहे करते हैं, तो हमने कहा है भाई दसवां का एग्जाम हो रहा है, दसवां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको दसवां पास करने का देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला अब पढ़ लीजिए, हम आपको दसवां पास करने लगेंगे। आपको अगर हमारे नौवां पास करने से खराबी दिक्कत तकलीफ हो रही है तो आप दसवां का एग्जाम देकर पास हो जाइए, और हम लोग सब आपको कहेंगे कि दसवां पास तेजस्वी यादव बिहार के नेता होने से दसवां पास करके दिखाइए। ये आदमी एक मन से बोले कि हम तो इतने ईमानदार हैं, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, हमारे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, जाली डिग्री नहीं बनाए, इतना अच्छा ईमानदार बताइए, जाली डिग्री नहीं बनाए, बहुत बड़ा हम लोग परेशान कर दिए। देखिए इस आदमी की सोच, नेता खड़ा होकर कह रहा है अरे हमने तो माँ बाप बाबू जी दोनों मुख्यमंत्री थे, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, नहीं बनवाए इसलिए जनता को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। भाई साहब ने जाली डिग्री नहीं बनाया, बहुत बड़ा हम लोग परेशान कर दिए, ये इस आदमी की सोच। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।